वेलकम टू फूड बोथ बाय नीदी। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ हेल्दी डिनर रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी और टेस्टी आलू कॉर्न पराठा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आलू कॉर्न पराठा बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने बॉइल्ड आलू को ग्रेट कर लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट हम उसमें डालने वाले हैं चॉप किए हुए ऑनियन, चॉप किए हुए कोरिएंडर यानि धनिया पत्ते, ग्रेट किया हुआ अदरक, बहुत सारी हरी मिर्च और बॉईल किए हुए कॉर्न। मसाले में हम ऐड करने वाले हैं नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। ये आलू कॉर्न पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें अवॉइड किया हुआ है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि तिखास कम ज़्यादा है तो वो आप एडजस्ट कर लेना। और हमारा ये फिलिंग बन के रेडी है, इसे हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट आते हैं डो की ओर। यहाँ पर हमने लिया है व्हीट फ्लोर यानी गेहूँ का आटा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चॉप की हुई कोरिएंडर और उसमें डालेंगे ऑयल। आप ऑयल के बदले घी भी डाल सकते हो, नो इश्यूज़। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वाटर और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसे डो बनाने के बाद में हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा ऑयल और फिर से एक बार इसको हम अच्छे से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद में हम इसमें से एक छोटा सा सर्कल कट कर लेंगे। इसे हम चपाती की शेप में सर्कल में बेलेंगे। इसे सर्कल में बेलते समय हमने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया हुआ है। राइस फ्लोर से पराठा काफ़ी क्रंची बनता है। हमारा सर्कल बनके रेडी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारी पोटैटो की स्टफिंग यानी आलू कॉर्न की स्टफिंग। इसे हम सेंटर में रखेंगे और साइड वाला जो रोटी का पार्ट है ना, इसे हम छोटी छोटी सी बाजू में क्लोज करके रैप कर लेंगे। हमारे घर में आलू कॉर्न पराठा हफ्ते में एक बार तो बनता ही है, काफ़ी टेस्टी होता है, एकदम झटपट बन के रेडी रहता है। जो एक्स्ट्रा का पार्ट है ना वो हम निकाल लेंगे। इस बार जब हम बेलेंगे ना, बहुत ही धीरे धीरे बेलना वरना पूरा स्टफिंग बाहर आ जाएगा और आपका पराठा ठीक से बनेगा नहीं। इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे राइस फ्लोर और इसे स्लोली बेल लेंगे। बाय द टाइम इसे बेल रहे हैं हमें अपना तवा थोड़ा सा गर्म करके रखना है। इस पर डालेंगे थोड़ा सा घी और इस पर हम अपना पराठा डाल देंगे। इससे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें दोनों साइड से अच्छे से सिकना है। इसमें आप घी या बटर कुछ भी डाल सकते हो। और हमारा क्रिस्पी पराठा बनके रेडी है। काफ़ी टेस्टी होता है ये और एकदम झटपट रेसिपी बन जाता है। डिनर में इसे बनाइएगा और ठंडे ठंडे दही के साथ सर्व करके खाइएगा। देखिए हमारा टेस्टी पराठा बनके रेडी है। आपको रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारा हेल्दी डिनर नंबर 4 रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।